Assalamualaikum, my name is Farih Fatma and welcome to our YouTube channel Farihaz World. तो भाई आज मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये कुछ अजीब सा हुआ। मैं ऊपर आई हूँ, मैंने क्या देखा, लेमन में उनका मेल आ चुका है। हाँ मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मैंने बात हो जाके पूछा, बाहर ने बोला हाँ भाई ये लेमन ब्राउन का ये मेल है, तो इतना खूबसूरत है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो रहा वो हमारा लेमन ब्राउन का मेल, यंग है, यंग है ये, यंग मुर्गे। इधर आओ तुम, गुटर गुटर गुटर। और ये कौन सी उसका है पता है, इस ब्रीड का नाम है आर आई आर ब्रीड है ये। मैंने तो आज हमने इसके फैमिली कंप्लीट कर दी, हमने इनकी दिखाएं जरा। और इसके अंडे भी आ रहे हैं माशाल्लाह। इसमें सब एक मुर्गी जो ना वो रोज अंडे दे रही है, तो हमारे पास रोज का एक अंडा आ रहा है माशाल्लाह। हमारे पास अब दो अंडे हो गए, आज भी एक अंडा आया। लेकिन एक बहुत बुरी बात है, क्या कि वो अंडा टूटा है वो। हाँ चटक गया था अंडा, अब तू चटका ये तो नहीं पता, मगर ये चटका हुआ था, मगर वो गिरा हुआ तो नहीं था। फिर दूसरा नहीं, वो तीसरा था। तीसरा था। हाँ जी। अच्छा ये मुर्गा हमारा माशाल्लाह बहुत शानदार है, और शान वगैरह में भी अच्छा है। हाँ शाइनिंग है इसके बालों में और अच्छी नस्ल का है ये। देखिए आप साइज में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा मुर्गा है, लेकिन कोई शामोशी नहीं है ना। और ये अभी इनके साथ सेट भी हो गया थोड़ा। अब मुर्गे भी शुरू में तो इससे लड़ रही थी, और अब तो इससे, हाँ शुरू में कल बड़ी लड़ाई हो रही थी आपस में, अब तो माशाल्लाह सेट हो गए। तुम पता नहीं कहाँ थी जब मैंने इसको रात को लाके डाला, तो ये लड़ रही थी आपस में। अच्छा ये दो मुर्गियाँ लेमन ब्राउन किधर घूम रही हैं, दो उधर खाना खा रही हैं, और हमारा मेल भी ये बाहर आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत मेल है माशाल्लाह। बाहर बेटा इसके तीन अंडे आ चुके हैं। तीन अंडे आ गए इसके, क्योंकि एक हमने डाला, दो अंडे आ गए इसके। एक मिनट याद हाँ, 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 कल ही तो एक लिया था और आज एक लिया है, तो दो अंडे हो गए ना इसके। और भाई ये है कि हमारे कबूतर अभी अंडों में बैठे हैं, ये भी अंडे अंडे दे रहे हैं, अभी हाँ। सेट हो गए। अब माशाल्लाह हमें एक अंडा इससे ही मिलना शुरू हो गया। क्या हुआ, डर लग रहा है? डर लग रहा है किस चीज से? डर लग रहा है इन लोगों से। ये क्या करेंगी, ये तो बेचारी शरीफ है। हाँ, बहुत। और क्या, ये तो बहुत शरीफ है, शरीफ हो है। चल निकले, हो चुकी है पूरी फैमिली हो गई, और अब इनका मेल भी आ गया, तो चार फीमेल हो गई हैं। भाई तो बंद कर दूँ क्या? हमने फुल मुसलमान बना दिया है, एक मेल है और चार फीमेल, चार फीमेल है। और ये हमारा एस्ट्रोलॉग का जो मुर्गा ये अजाने दे रहा है, देखो कितनी सारी, इसको भी हम मुसलमान बना देंगे। तो अभी जो है ना, मैंने ये सोचा कि ना मैं ना यार थोड़े दिन तो अभी इसके अंडे एंजॉय कर ले, और क्योंकि अभी अंडे उन्होंने देना शुरू कर दिए, तो एक अंडा तो मिल रहा है। मैंने सुना है कि जो है ना पहले के चार पांच अंडे फायदेमंद होते हैं। हाँ ताकतवर होते हैं शुरू के अंडे, और फिर ये कि शुरू में अभी एक ही मुर्गी दे रही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मुर्गियाँ देने लगेंगी ना, तो फिर क्या करेंगे हम, कि फिर आगे जाके जब हमारे पास थोड़ा अंडे खाने का शौक है अभी, तो फिर जब वो अंडे अब शौक पूरा हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे कि हम जो ना उसको ना सेव करेंगे, और उसको हम इंक्यूबेटर में रखेंगे इंशाल्लाह। इंक्यूबेटर कब ला रहा है ब्रूडर वगैरह? अभी देखो, अभी तो हम अंडे एक ही मुर्गी दे रही है, फिर ये चारों देंगी ना जब, तो फिर क्या करेंगे हम, ये जब चारों देंगी तो फिर हम उसमें से सेव करना शुरू कर देंगे, और फिर हम उसको इंक्यूबेटर भी ले लेंगे, और फिर उसका ब्रूडर भी ले लूंगा। बहुत बुरी बात, डब ने अपना एक अंडा गिरा दिया। हां डब ने अपना एक अंडा गिरा दिया, मगर वो दूसरी वाली ने दोनों अंडे रखे हैं अपने, वो सेक रही है क्योंकि वो बड़ी है ना। हाँ वो सेक रही है माशाल्लाह अपनी, और डब ने अपना एक अंडा गिराया हमारी, मगर ये कि आज हमारा पूरा खाली है उसकी। हाँ पूरा खाली है, वो दोबारा दे देगी इंशाल्लाह। और ये जो हमारा मेल है ना, ये है आरआईआर का, आरआईआर नस्ल है इसकी। ब्रीड जो है ना बहुत शानदार, इसकी हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, ये देखें, बहुत मुझे बहुत पसंद आया ये माशाल्लाह। आपने कहाँ से लिया? ये मैंने मंगवाया है, मंगवाया है हमारे दोस्तों, उन्होंने लाके दिया हमें। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत शानदार है माशाल्लाह। इसके बाद जो
ये ब्राउन और ब्लैक सब कुछ पीछे जो दुम है ना, दुम देखो हल्की सी ब्लैक है, फिर शाइनिंग इसके बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अभी तक जितने मुर्गे ना हमारे पास, सबसे बेहतरीन मुर्गा ही है। लेकिन भाई कॉल अच्छा है। कौन सा? वो वाला है, वो वाला क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉग का। हाँ वो भी अच्छा है, मगर ये उससे बहुत 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 खूबसूरत है। क्या बात है, वो तो ब्लैक कलर का है और ये ब्राउन कलर है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो एक और भी अच्छा लग रहा है मुझे ना, वो तो देखो शामू नस्ल तो हमारी है खूबसूरत ना, वो तो एक अलग ही चीज है ना हमारे पास, वो तो उसकी हाइट वगैरह यानी कि एक्सपेंसिव चीज है। वो तो एक्सपेंसिव चीज है और वो खूबसूरत चीज है। अभी वो बड़ी हो जाएगी ना इंशाल्लाह, तो फिर उसकी खूबसूरती बिखरेगी। तो ये अब छत पे हमारे एंजॉय कर रही है माशाल्लाह, और ये मुर्गा भी, और धूप अच्छा है, धूप में थोड़ा से इनकी जो ना घूमेंगी फिरेंगी तो भी। तो इतनी ज्यादा सर्दी आ गई थी, अब इतनी ज्यादा गर्मी आ गई। हाँ मौसम चेंज हो गया एकदम, अभी धूप सेक रही है, थोड़ी सी धूप में ले ले, विटामिन डी इनके लिए जरूरी है। एक मिनट, हमारे सारे बजीज, हमारे बजीज कांगे, मैं ये कहती सारे बजीज कांगे पूरे केज में, सारे बजीज वो ऊपर बैठे हैं हमारे, वो देखो ना बिल्कुल ऊपर बैठे हुए, लाइन लगा के बैठते हैं वो है, मगर ये बैठते हैं लाइन लगा के। कम है ये? कोई कम नहीं है फरिया, बिल्कुल पूरे हैं, देख लो। कम है को थोड़े से, ये डंडा रमट के हूं। हेलो बाहर आ जाओ, एक दो तीन चार पूरे फरिया। हां मुझे शायद कम लग रहा। हां नहीं नहीं पूरे। अच्छा ये बताएं आप कमेंट में, आपको हमारा जो है लहमन लहमन ब्राउन का जो मेल है वो कैसा लगा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बोलेंगे पीछे ये रहे, ये तीन मुर्गियां हैं शायद, एक मुर्गा और एक मुर्गी वहाँ है, और ये जो है ना ये ब्लैक वाला जो हमारा था ना यार, नाम है नहीं आ रहा बाबू, ब्लैक वाला कौन सा है हमारा मुर्गा? एस्ट्रोलॉब। एस्ट्रोलॉब, वो एस्ट्रोलॉब भी प्यारा है और वो इसी के जितना, यानी कि इसी के जितना, लेकिन उसमें खूबसूरती है। कल खोलेंगे उसको, सही है। हाँ और तो जो है आज के जो व्लॉग तक का था, आज के व्लॉग का यहीं पे खत्म, मुझे रखिएगा अपनी नाव में, रख ले व्लॉग तक नहीं, मुझे जीत जा रहा तब तक नहीं, अल्लाह हाफिज़।